वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो ये सेंट जूलियस का दूसरा इलाका है, यहाँ पे से जा रहा था मैं। तो एक मेरे भाई हैं, तो उनसे मुलाकात कराऊंगा आपका, उनका एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। उनके बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि वीडियो पे सबसे पहले ऐसे इंसान होंगे जिनको प्रीमियम डी वीज़ा मिला है। प्रीमियम डी वीज़ा जिसको सबसे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था, और उन्होंने भी ये बोला था कि मलिक भाई, मैंने काफ़ी कोशिश की ये खोजने की कि मैं कतर से माल्टा कैसे आऊँ, कौन सा वीज़ा कैसे आऊँ, क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी है नहीं और यूई में अलाउड नहीं करते हैं, और इंडिया में अपॉइंटमेंट बहुत लेट था। तो इन्होंने मेरा वीडियो देखा, और पहली बात तो इनका जो एक्सपीरियंस रहा उसके बेस पे उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, और उनको मैं लाइव लेके आ रहा हूँ साथ में। यहाँ पे मैंने वीडियो बताऊँगा कैसे उन्होंने कोशिश की, कैसे एक 15,000 की सैलरी से एक बड़े ग्रुप में यहाँ पे आए, बड़े होटल में आए, अच्छी सैलरी पे आए, और कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से दिया। एक बात बताता हूँ, ज़िंदगी में अगर आप मेहनत कर लो ना सही से, तो बोलते हैं ना कि जिस चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में उसे जुड़ जाती है ना, तो वही आज एग्जांपल लेके आया हूँ। तो ये है मिस्टर वेंकटेश, जो हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे फॉलोवर है, हमारे फ्रेंड है। और इनके बारे में एक चीज़ और बता दूँ, इन्होंने एक प्रॉब्लम फेस किया तुर्कीस एयरलाइन से, ट्रेवल करा इन्होंने कतर से इस्तांबुल जाते समय। अब यहाँ पे मैं तुर्कीस एयरलाइंस को बुरा इसलिए बोलूँगा कि अगर आपको जब पता है कि फ़्लाइट आपकी वजह से डिले हुआ था, तो आपने एक बंदे के साथ पैसा एक्स्ट्रा क्यों लिया। एक वीडियो मैं बनाऊँगा और तुर्कीस एयरलाइंस से बात करूँगा, मैं जानना चाहूँगा तुर्कीस एयरलाइंस को, क्योंकि हर एक इंसान का राइट से ये जानना कि आपने क्यों किया। तो सबसे पहले तो वेंकटेश भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, जो आपका चैनल है, जो सबका चैनल है। तो मुझे बात बताइए कि कैसे आपने माल्टा के बारे में सोचा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कि किस तरह से आपने प्रॉब्लम को फेस किया और सॉल्व करने की कोशिश की, बताइए हमारे लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वेंकटेश है, मैं कतर से आया हूँ। मेरा पहले से ड्रीम था यूरोप आने के लिए, माल्टा और इटली, तो उसमें ऐसा आने के लिए, क्योंकि इधर ज़्यादा जॉब्स मिलता है, होटल इंडस्ट्री में सब चीज़ में मिलता है, लेकिन थोड़ा होटल इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है बोल के। तो पहले से मेरा ड्रीम था, इंडिया से ट्राई किया, कुछ मिला नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था उतना ज़्यादा। कतर आने के बाद मेरा एक्सपीरियंस भी 3 साल होना ज़रूरी है इधर आने के लिए। तो उधर आने के बाद मैं प्रोसेस स्टार्ट किया था जी, पहले से सर्च करने लगा, मैं यूट्यूब में देखा, लिंक्डइन में देखा, जो भी जॉब इन माल्टा कुछ भी है सब कुछ। तो क्या आपने माल्टा का कभी कोई नाम सुना था, मतलब पहले आपने माल्टा नाम कोई सब कभी सुना था आपने? हाँ सुना था, सुने थे जी, क्योंकि मेरा थोड़ा रिलेशन लोग भी है इधर, वो लोग भी बोला था मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ यूरोप में। मेरा दोस्त भी था मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा था होटल में, वो भी क्रूज में काम करते हैं, अच्छा वो घूम रहा था यूरोप में, वो बोलता है मैं इधर इटली में, यूरोप में, माल्टा में, स्पेन में हूँ। मेरे को भी याद आया था। तो आपने लिंक्डइन से ये कंपनी खोजा? हाँ लिंक्डइन से खोजा, मेरा शेफ वो शेफ था, वो उधर लिंक भेजा था, एक लिंक से अप्लाई किया, उसके बाद वो रिप्लाई आया मेरे को भेजने के बाद, सीवी भेजने के बाद। तो आप क्या करते हो, आपका मतलब आपका पोजीशन, आप क्या काम करते हो आप? मैं कतर में कॉमी शेफ करता था, कॉमी शेफ रेस्टोरेंट में। यहाँ पे जो आए माल्टा आप? माल्टा इधर भी कॉमी शेफ है, लेकिन लेवल थोड़ा ज्यादा है, अच्छा लेवल है, उधर 3-2-1 होता है, इधर 1 में आया था। अच्छा ओके, तो आपने बाकी जब जैसे कि ऑफर लेटर आपको आया, ऑफर लेटर में साइन किया, फिर आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया? मैं ऑफर लेटर में जब साइन किया था, उसके बाद 280 यूरो पे करने का है टिकट लेने के लिए। हाँ उसके बाद उसका पे करने के लिए पे किया, खुद पे किया, क्योंकि मेरा कंपनी ने मेरे को सर्विस किया पे करने के लिए। हाँ तो मैं पे करने के लिए एक्सचेंज ऑफिस में गया, उधर भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो लोग बोलता है कंपनी अकाउंट में सेल नहीं कर सकते, नहीं कर सकता सही है जब तक कॉन्ट्रैक्ट बराबर कॉन्ट है। हाँ नहीं है, ये तो आपका खुद अकाउंट है उधर का, कतर का अकाउंट है, आप भेज सकते हैं। मैं बोला ऑनलाइन ऑनलाइन। अच्छा मेरा पास खुद अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं भेज नहीं, ऐसे ऐसे चीज़ें मैं डायरेक्ट पैसा भेजने का बोला, मैं पैसा नहीं भेज सकता। हाँ ओके, तो मैं आप फिर से आके मैं क्या किया, वाइस डाउनलोड किया था अपने यूट्यूब में उसके बारे में जी, वैसे डाउनलोड करके उससे मैंने क्रेडिट कार्ड से उसको ट्रांसफर किया था। उसके बाद कौन सा ऐप था ये? वाइस वाइस वाइस। ये क्या होता है? ये क्या होता है, ये किधर भी वर्ल्ड वाइड सकता है। अच्छा कैसे पे कर सकते, उसको पे कैसे करते वॉइस वाले को? पे कैसे करने का है, पहले हमारा पास क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, कुछ भी हो, उधर से एक आता है अकाउंट बनाने का, पहले उसमें अकाउंट बना के उसमें ऐड करने का। तो सिक्योर्ड हो? सिक्योर्ड है, वॉइस ऐप, वॉइस ट्रांसफर वॉइस भी बोलते हैं, अभी वॉइस हो गया। उसमें क्या करने का है, पेटीएम का एड बैलेंस होता है ना, सेम ऐसे होता है,
ओके अगर कतर का डेबिट कार्ड तो भी चलेगा? कतर का डेबिट कार्ड, कोई भी इंटरनेशनल वीजा कार्ड भी चलेगा, कोई कोई वर्ल्ड वाइड पैसा भेज सकते हो? भेज सकते हैं। चलो ये सबसे ये थोड़ी मेरे को अलग न्यूज़ मिली, और मतलब ये मेरे साथ कम से कम 2 घंटे से हम लोग टॉकिंग कर रहे थे चदर की, मतलब हमारे साथ घूम सिटी घूम रहे थे, ये बात मुझे नहीं मालूम थी वाकई में। वॉइस ऐप करके एक नया ऐप है जो मुझे नया ऐसा पुराना हो सकता है, इतना अच्छा ऐप है, बता रहे कि पैसे आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपके पास कोई भी कंट्री का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो तो उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया, फिर उसके बाद क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने? उसके बाद पेमेंट हो गया, मेरे को उधर से अप्रूवल लेटर आया था। हाँ, उसके बाद वीज़ा अप्लाई करने के लिए मेरा HR को भी मालूम नहीं है, मैं कतर मतलब बोलो कि ज़्यादा उतना मालूम नहीं है कतर के बारे में, वो लोग सोचता है UAE, ऐसा सोच के मेरे को बोला BFS में जाओ अपॉइंटमेंट ले लो, पहले बोला था। अच्छा, आपके HR ने यहाँ पे बोला वहाँ पे जाओ, आपको पता नहीं था कि कतर और UAE अलग अलग है? अलग अलग है, उसको मालूम नहीं था कतर के बारे में, सुना नहीं होगा ऐसा। मैं 2-3 बार बोल दिया कतर अलग है, UAE अलग है, इधर बोला था मैं। हाँ, वो बाद में सजेस्ट किया था ऐसा ऐसा चीज़ें हमारे पास, तुम ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को नहीं समझा ये क्या बोल रहा है, प्रीमियम डी वीज़ा क्या है, क्या है उसके बारे में। मैं बहुत कोशिश किया, यूट्यूब में किया, गूगल में, किधर भी सर्च किया, लेकिन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद मलिक भाई ने एक वीडियो भी बनाया था उसका, मैं 2-3 दिन हुआ उसके बाद मैं भी अप्लाई किया, मेरा HR ने मेरे को मेल भेजा ऐसा ऐसा करो, यही प्रोसेस है, सेम मलिक भाई जैसा बोला कि सेम प्रोसेस है वही है डी प्रीमियम वीज़ा का, उसका भी हम लोग पे करना पड़ेगा, VFS किधर भी जाने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोग खुद अप्लाई कर सकता है बैठ के, घर में बैठ के, सिर्फ तुम्हारा पासपोर्ट है, जो भी पासपोर्ट इधर से सेंड करने का, हमारा कंट्री से इधर आएगा, इधर स्टाम्प होने के बाद फिर से हम लोग को रिटर्न आएगा। तो आपको पासपोर्ट आप भेजने के बाद कितने दिन के बाद पासपोर्ट मिला? मेरा पासपोर्ट भेजने के बाद मेरे को ऐसे 25 दिन का बाद मिला, मेरे को 25 डेज का बाद मिला। आप थोड़ा सा बताएं मेरे व्यूअर्स को, जो आपने तुर्की एयरलाइन रियल में क्या प्रॉब्लम हुआ था आपका? हाँ, हुआ था तुर्की एयरलाइन में क्या हुआ था, मैं कतर से दोहा से इधर आया हूँ, इस्तांबुल मेरा भाया इस्तांबुल था, इस्तांबुल में क्या हुआ, थोड़ा लेट डिले हुआ था फ्लाइट अरावल, तो उसका वो एयरलाइंस का प्रॉब्लम था, लेकिन मैं तब नीचे गया था फ्लाइट पकड़ने के लिए, उधर फ्लाइट चले गए, मैं फिर से ऊपर आके उधर जाके चेकिंग में पूछा था। हाँ, ऐसा ऐसा हो गया हमारा, बोले तो उन्होंने बोला आप चेक किया, चेक करके बाद में बोल दिया पैसा पे करने का, पैसा क्यों पे करने का, उन लोग बोला कुछ भी नहीं बोलते हैं, रिप्लाई भी नहीं देते हैं कुछ। हाँ, आपको चाहिए तो अभी टिकट वो बना देगा, नहीं है तो प्राइस बढ़ाएगा, नहीं तो कुछ बोलेगा, वो लोग सुनता नहीं, हमारा बात सुनता नहीं है, उधर किसी लैंस की कोई बात नहीं सुन रहा था, सिर्फ अपनी मनमानी कर रहा था, बोल रहा था कि पैसा आपको देना ही पड़ेगा। देना ये तुर्की एयरलाइन, अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अपने बंदे को बताओ कि कोई भी अगर डिले हुआ तो आपका मिस्टेक होता है, आपको टिकट आपको देना होता है, इवन आपको फूड देना होता है, और जितना डिले होता है आपको कंपनसेट करना पड़ता है ना। मैं जाके फूड भी पूछा था, क्योंकि मेरा वो फ्लाइट बुक किया था दूसरा फ्लाइट, मैं 122 यूरो पे करके फिर से फ्लाइट बुक किया उधर से, 120 यूरो काउंटर पे किया, और इनका कहना है कि कोई रिसिप्ट नहीं मिला आपको? कोई रिसिप्ट भी नहीं मिला। उसके बाद वो लोग पूछ रहा था उधर PCR भी चाहिए, तुम्हारा ये भी चाहिए, मैं बोला मैं फुल वैक्सीनेटेड है, बूस्टर डोज भी डाल दिया, नहीं नहीं वो लोग बोल रहे हैं अभी चाहिए, अभी क्यों चाहिए, मैं पूछा अभी क्यों चाहिए, मैं कतर से आया हूँ, कतर से क्यों, कुछ भी नहीं पूछा, माल्टा से कुछ भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ये नहीं चाहिए PCR टेस्ट। हाँ, तो आप लोग क्यों पूछ रहे हो, वो बोलते हैं आप PCR टेस्ट लेके आओ मैं टिकट दूंगा। हाँ, फिर से उधर से दूसरा काउंटर में गया, ऐसा ऐसा बोल रहा है, मैं उधर गया ऐसा बोल रहे, तो वो लोग बोला मैं थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बात किया उधर, मेरे को टिकट दे दिया, लेकिन वो टिकट था शाम को 6 बजे 6:30 बजे कितने बजे पहुँचे, सुबह कितना बजे 7:30 बजे उधर पहुँचा, मतलब ये 12 घंटे का ये इनको लेआउट कर किया तुर्की एयरलाइन ने विदाउट एनी फूड, ना फूड दिया ना टिकट दिया, ज़बरदस्ती 120 यूरो लिया और कोई भी बिल नहीं दिया, सही है। फिर से जाके मैं पूछा, मेरे साथ 120 यूरो भी लिया, मेरा फूड नहीं है इसमें, बोलता है एक बार पूछा वो बोला कि इसमें नहीं है, फिर एक बार जाके पूछा तो वो बोलता है फिर से लाइन में क्यों भी खड़ा होने के लिए बोलता है, फिर से जाके पूछा वो बोलता है इसमें नहीं है अब जाओ, नेक्स्ट बोलता है, बस नेक्स्ट बोलता है, हमारा बात कुछ सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं। अच्छा, अगर ऐसा उसके बाद आपका मतलब टोटल कितना खर्चा हुआ वीज़ा का, मतलब आपको एजेंसी के थ्रू आया कि खुद किया आपने? नहीं नहीं, मैं खुद किया, मैं कितना खर्चा आया टोटल यूरो में बताइए? 280 यूरो आइडेंटी बनने के लिए पे किया, 300 प्रीमियम वीज़ा, 300 प्रीमियम वीज़ा के लिए, और यहाँ पे आने के बाद कितना खर्चा हुआ अभी तक आपका? आने के बाद अभी तक हुआ था 200 यूरो।
मतलब टोटल 6, 3, 6, 7, 800 यूरो हो गया है। हो गया, और टिकट भी मेरा है, टिकट भी लिया था। टिकट कितने का था? टिकट का 50,000 आसपास है, कितना होगा? मतलब ठीक है, समझ गया, 50,000 इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस हो। अच्छा, इतना कम में हुआ आपका? कम में हुआ, मतलब 250 यूरो के आसपास। और इंश्योरेंस भी लिया था फोन पे थे, फोन पे का, वो भी 1,000-2,000 में हो गया इंडियन रुपीस। अच्छा, वो कम था। ओके, तो मतलब इनका टोटल खर्चा नॉर्मल में यहाँ पे नीचे लिखा है, बता देता हूँ इतना खर्चा लगभग इनका 1,00,000 रुपया से 1,10,000 ऐसा हुआ। और ये 10,000 टर्किश एयरलाइन का 10,000 मिलके 1,20,000, मतलब 1,20,000 में ये कतर से माल्टा पहुँच गए, टोटल खर्चा इनका हुआ। और आपकी सैलरी अनुमान कितना है टैक्स काटने के बाद, आपको इन हैंड कितना देने वाले हैं? इन हैंड मेरे को मिलेगा 900 आसपास। ये 8 आवर्स प्लस 5 घंटा, 7 आवर्स। एकोमोडेशन कंपनी का है? नहीं नहीं, एकोमोडेशन हमारा खुद का है, एकोमोडेशन का पे करना पड़ेगा। उसका भी 350 है, लेकिन आप आउटसाइड रहेगा ना, आउटसाइड ले सकते हैं हम लोग। हाँ। लेकिन पहले आने के बाद 1-2 महीने देखो, उसके बाद चेंज करो, क्योंकि इधर का रूल्स हम लोग को मालूम नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल होगा। कॉन्ट्रैक्ट कोई देता है कोई नहीं देता है, कॉन्ट्रैक्ट तो जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। अच्छा, तो और कुछ बताना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को कि कैसे नौकरी खोजना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे मतलब तकलीफ जिंदगी रहती, कैसे कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स? हाँ बताएंगे, कोई भी माल्टा किधर भी यूरोप किधर भी जाना है, पहले से सर्च करो उसके बारे में, कंट्री के बारे में सर्च करो, जॉब के बारे में सर्च करो, आपका एक्सपीरियंस सूटेबल है कि नहीं वो सर्च करो, सब देख लो, बाद में अप्लाई करो, आपको ज़रूर मिलेगा। आप 1 साल का एक्सपीरियंस है, मैं 3 साल का एक्सपीरियंस में जाना पड़ेगा बोले तो नहीं जा सकता है, उसीलिए सब लोग को नहीं मिलता है, सब लोग बोलता है मेरे को नहीं मिल रहा है, तुम लोग को कैसा मिला बोले तो। हाँ, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका, जो भी रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए, वो होगा तो ज़रूर मिलेगा जॉब। और लिंक्डइन है, सब कुछ है, बहुत है इधर, जॉब सिन माल्टा है, उसमें देखो आपको। जॉब सिन माल्टा तो यहाँ वाले होते थे ना? हाँ, मतलब वहाँ से कंपनी का नाम कॉपी करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उधर मेल भी रहता है, फ़ोन नंबर भी रहता है, कोई कोई व्हाट्सअप में भी रहता है, वो लोग बोलते हैं, हम लोग मैसेज कर सकते हैं, वो लोग बोलेगा कि हम फॉरेनर्स को हायर नहीं कर रहे बोले तो ठीक है, लेकिन कोई कोई फॉरेनर्स को भी हायर करता है, व्हाट्सअप में भी देता है ऐसा। तो चले, मतलब बहुत अच्छा वेंकट भाई ने बात बताया कि कैसे ज़िंदगी में लड़ना चाहिए और कैसे कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा इनके साथ बात करके, और जो तुर्की सेनन के साथ किया बहुत गलत किया, मैं चाहूँगा तुर्की सेनन का इनको 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 क्लेम इनका वापस, इनका जो पैसा लिया ये वापस करे, प्लस इनको जो लॉस हुआ, जो मेंटली इनका डिस्टर्ब हुआ, जो 12 घंटे एयरपोर्ट पर बैठे विदाउट खाने के, मुझे लगता है सब इनको लॉस बेयर करके उनको पैसा वापस देना चाहिए। और इसी तरह से मेरा सपोर्ट कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो और लेके आता हूँ। माल्टा आया हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूँ, ताकि सही सही जानकारी लाइव दे सकूँ माल्टा की। यहाँ थैंक यू वीडियो, तबरे मलिक का चैनल इसी तरह देखिए, तबरे मलिक ऑफिशियल चैनल सिर्फ एक है और कोई चैनल नहीं है, तबरे मलिक सबको सैल्यूट करता है।